हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग. इट्स गुड आफ्टरनून. व्हाटएवर. अच्छा, ये बताओ, यूनिवर्सिटी में हो? हाँ, क्यों? आई एम गेटिंग बोर्ड. सोच रही थी कोई प्लान बना ले. बल्कि एक बहुत अच्छा प्लान है. तुम ये बताओ, यूनिवर्सिटी से कब फ्री हो रहे हो? यार, यूनिवर्सिटी से मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा. मेरे पेपर्स हो रहे हैं. अंबर, कम ऑन हारिफ, यू नॉट इन स्कूल. यूनिवर्सिटी में हो तुम, और वैसे भी पेपर से पहले रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है. हाँ, एक काम करो, यूनिवर्सिटी से वापसी पे तो मुझे पिक कर लेना. हम साथ डैड की साइट पे विजिट करेंगे. हाँ प्लीज अंबर, मैं पहले फ्री तो हो जाऊँ, फिर बाद में काम ही करना है. अभी से क्यों? हम काम से नहीं जा रहे हैं. एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस वही दिखाने ले जा रही हूँ. सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अगर बता दूंगी तो फिर सरप्राइज कैसा? बस तुम यूनिवर्सिटी से वापसी में मुझे पैक कर रहे हो, एंड दैट्स इट. बट प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता हारिफ, यू आर कमिंग एंड दैट्स इट. वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी. आई विल बी वेटिंग फॉर यू देन. अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी से वापसी कर आता हूँ, लेकिन मुझे शाम को जल्दी घर जाना होगा. साइट से सीधा घर, नो अदर प्लान्स. ओके ओके, डन. सी यू देन. बाय बाय. हारिफ, आप ना मुझे आज घर ड्रॉप कर दें. मेरा बुटीक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा. क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी नींद सी आ रही है, सुस्ती भी हो रही है, काम करने का दिल नहीं कर रहा. वाकई ये तुम कह रही हो? जी, मैं कह रही हूँ. चलो अच्छा है, तुम्हें रेस्ट का मौका मिल जाएगा. और वैसे भी काम करना तुम्हारी कोई मजबूरी तो नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो ईमान, तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए. जानती हूँ मैं आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे काम करना पसंद है. और वैसे भी जिंदगी सिर्फ सोने जागने खाने पीने का नाम नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए. सही कहा आपने. वैसे कितनी समझदार बीवी है ना मेरी. अब बात नहीं बनाए और गाड़ी चला. और हाँ, बात सुनो, रात में घर जल्दी आ जाएगा प्लीज. अच्छा जी. तो हारिफ, कैसा लगा तुम्हें ये बैंगलोर? अच्छा है, वेरी क्रिएटिव. एग्जैक्टली. और जानते हो ये बैंगलोर किसके लिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? किसके लिए? Any guesses? बन रहा होगा तुम्हारे लिए. अब चलें. सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे और तुम्हारे लिए. हाँ. क्यों? कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, ये बैंगलोर डैड की तरफ से मेरा और तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट होगा. हम दोनों यही शिफ्ट हो जाएंगे. अंदर पूल कितना अच्छा था ना. एक बात कहूँ अंबर, इस बंगले की जगह ना 20-25 मकानात बन सकते थे, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल होते. मगर हम ऐसा क्यों सोचेंगे? ये तो बस अपना सोचते हैं, हम कोई सोशल वर्कर थोड़ी हैं. What the hell, हारिफ? डैड ने इतनी मोहब्बत से हम लोग के लिए बैंगलो तैयार करवाया. You are so thankless. मैंने उनसे नहीं कहा था कि मुझे ऐसा बैंगलो चाहिए. So what's the point of being thankful or thankless? हारिफ प्लीज, मेरा मूड और मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है. Let's go. Yes. Thank you. I'm already getting late. हारिफ, कहाँ थे बेटे सारा दिन? बस मामा, यूनिवर्सिटी और पेपर्स. बस अंबर मुझे अपने साथ साइट पे ले गई थी. कैसा रहा आज का दिन फिर तुम्हारा? कैसी लगी सोसाइटी? अच्छी है ना? जी अच्छी है. क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी
मामा जिनके साथ आप कंफर्टेबल ना हो ना उनकी कंपनी आपको थका देती है। भाभी आप बताएं आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा और जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे। जमान अंकल के साथ उनकी कोई मीटिंग थी इसलिए अभी तक ऑफिस से नहीं आए। एक तो जमान साहब और उनकी नौकरी, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। जाने बाबा और जुनैद भाई कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं उन्हें, गॉड नोस। खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। हाय, ईमान कैसी है? ईमान बिल्कुल ठीक है और आपका पूछती रहती है। आप चले ना किसी दिन मेरे साथ। हाँ जरूर, तुम अब जब भी जाओ मुझे साथ लेके चलना। जाना तो मुझे अभी भी है, ईमान मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आपने चलना है तो मेरे साथ चलें। अभी तो रात बहुत हो गई, मैं कभी दिन के वक्त तुम्हारे साथ चलूंगी। चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे। अभी तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी देखता हूँ कि जाऊँ या ना। और वो जो ईमान तुम्हारा उधर इंतजार कर रही है, उससे एक्सक्यूज कर लूंगा। भाभी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सच पूछें तो सुकून है मेरी जिंदगी का। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। गुड नाइट। गुड नाइट। ईमान तुम किसी मॉडल से कम नहीं। मेरे मौला है कैसी रुसवा।